मोरी मदर, कीको तो गजब की स्केटिंग कर रहा है यहाँ पर। कीको के इन स्टंट्स को टू वर्ड्स में कहते हैं सुपर अमेजिंग। अमेजिंग से भी ज्यादा अमेजिंग, इसी बात पे खा लेता हूँ कुछ अमेजिंग अनियन रिंग। चलो आज की स्केट्स प्रैक्टिस खत्म। कीको, तुमने कितनी बढ़िया तरीके से स्केटिंग की, अब तुम्हारी तरह मैं भी स्केट्स पर स्टंट करूंगा। नहीं डोडो, मैंने जो स्टंट्स किए हैं वो मैंने बहुत प्रैक्टिस के बाद और एक इंस्ट्रक्टर के अंडर सीखे हैं। इसीलिए तुम्हें या किसी और को ये स्टंट्स ट्राई नहीं करने चाहिए, इसमें बहुत खतरा है बड़ी। कीको की इस बात को टू वर्ड्स में कहते हैं एब्सोल्युटली राइट। झटपट अंकल, इतनी जल्दी में आप कहाँ जा रहे हैं? वाह सर, क्या ब्रेक लगाई है, नोट पैड में नोट करके रख देता हूँ। चांद की बर्फी ने उड़ते आसमान में छेद करके चमकते तारे को पकड़ लिया। सर पहले मैं कह रहे हैं कि डॉक्टर आविष्कार सेन ने एक नई चीज इन्वेंट की है, हम वही देखने जा रहे हैं। अरे रुकिए रुकिए झटपट सर, मेरे बिना अगर आप वहाँ पर जाएंगे तो आपकी बातें कोई नहीं समझ पाएगा। सच में अगर जूनियर जासूस अंकल ना होते तो झटपट अंकल की बातें सबके दिमाग का दही कर देती। दही से याद आया, थोड़ी लस्सी पी लेता हूँ। मुझे लगता है कि हमें भी डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल का वो नया इन्वेंशन देखने जाना चाहिए। टू वर्ड्स में कहूँ तो लेट्स गो। डॉक्टर आविष्कार, दिखाइए जल्दी दिखाइए। पहला बात, हमारा नाम डॉक्टर आविष्कार नहीं बल्कि डॉक्टर आविष्कार सेन। अयो, और दूसरा बात? दूसरा बात, दूसरा बात, लगता है डॉक्टर आविष्कार फिर से भूल गए। डॉक्टर आविष्कार ना, डॉक्टर आविष्कार सेन बोलो रे बाबा। अयो, लगता है इनको अपने नाम के अलावा और कुछ याद नहीं रहता। गुड मॉर्निंग डॉक्टर आविष्कार सेन अंकल, आप हमें अपना नया इन्वेंशन दिखाने वाले थे ना, मेयर अंकल उसी की बात कर रहे हैं। इन्वेंशन? अरे हाँ याद है, सब याद है, हम कोई भुला कर तो रहे ही है। ये देखो डॉक्टर आविष्कार का आविष्कार, दुनिया का सबसे बड़ा रॉकेट। कितना जबरदस्त रॉकेट है, इस बार दिवाली में इसे मैं ही जलाऊंगा। टीम फोर नाम, इस बार दिवाली कब है, कब है दिवाली? म्यार, ये तुम क्या गंडगोल बात करता है हा? ये दिवाली में बोतल में रख के आग लगाकर चलाने वाला रॉकेट नहीं है बल्कि सैटेलाइट को स्पेस में ले जाने वाला रॉकेट है। हाँ, तुमको मालूम है कि ये रॉकेट एक साथ 75 सैटेलाइट को स्पेस में ले जा सकता है। फिर तो ये बहुत ही पावरफुल होगा। यस किको, ये इतना पावरफुल है कि अगर ये कहीं जमीन पे फट गया तो पूरी की पूरी सिटी तबाह हो जाएगी। फिर तो ये बहुत ही खतरनाक भी है। मम्मी, मुझे डर लग रहा है। डरने का जरूरत नहीं है, ये रॉकेट बिना इस ट्रिगर डिवाइस के ऑपरेट नहीं हो सकता है। अरे ये ट्रिगर डिवाइस सिर्फ इस रॉकेट के 1 किलोमीटर के रेडियस में ही ऑपरेट करता है। यानी आपका मतलब है कि ये रॉकेट ट्रिगर डिवाइस से तभी ऑपरेट किया जा सकता है जब ये ट्रिगर डिवाइस इस रॉकेट के 1 किलोमीटर के दायरे में हो।
करेक्ट किको, इसीलिए मैं इस ट्रिगर डिवाइस को बहुत सेफ जगह रखूंगा। हाँ, R7 की डेंजर लाइट ब्लिंक कर रही है, लगता है हमारे आसपास कोई खतरा है। रॉकेट का ट्रिगर डिवाइस कहाँ चला गया? सरपट सैमी की रफ्तार हो जाए पल भर में फरार। वो आदमी तो बहुत आगे निकल गया, लगता है अब सुपर स्पीडो को बुलाना ही पड़ेगा। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार। स्पीडो, जल्दी उसका पीछा करो, वो रॉकेट का ट्रिगर डिवाइस चुरा के भाग रहा है। डोंट वरी ब्रो, उनकी चोरी पे हमारी सी नजोरी भारी पड़ने वाली है। सुपर स्पीडो, एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 1, 2, 3 एंड जेट स्पीड से आगे बढ़ो। ओके ब्रो, एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 1, 2, 3। मुझे लगता है अब हमें सरपट सैमी को रोकने के लिए फॉर्मूला नंबर 129 लगाना होगा। तुम्हें क्या लगता है? सही कहा किको, मैं भी वही सोच रहा था। एक्टिवेटिंग फॉर्मूला 129। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 21, वरना हम अपने जाल में खुद फंस जाएंगे। ओके डूड, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 21। हेलो, तुम लोग सही स्पॉट पे पहुंच गए हो ना?
यस बॉस, हम तैयार हैं, आप आ जाइए। ये हुई ना बात, अब किको और सुपर स्पीडो को बाय बाय कहने का टाइम आ गया। इधर आओ बच्चों, सरपंच सैमी अंकल इधर हैं। डॉक्टर आविष्कार सर अंकल, क्या हम उस रॉकेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते? नहीं किको, उस लीगार्ड डिवाइस के बिना रॉकेट के साथ कुछ भी नहीं हो सकता है। हाँ? हाँ? हमें वो लीगार्ड डिवाइस किसी भी हालत में सरपट सैमी से वापस लेना ही होगा। हाँ? अगर उसने रॉकेट के 1 किलोमीटर के अंदर वो लीगार्ड डिवाइस एक्टिवेट कर दिया तो वो रॉकेट यही सन सिटी में ही फट जाएगा और पूरी सन सिटी बर्बाद हो जाएगा, बहुत बड़ा गंडोगोल हो जाएगा। ईश मम्मी, हमारी सनसिटी को बर्बाद होने से बचाओ। हाययो मेयरे, डर का मारे रोने का नहीं जी, किको और सुपर स्पीडो उस सरपट सैमी से निपट लेगा जी। मैं डर की वजह से नहीं रो रहा, बल्कि जब मुझे बहुत गुस्सा आता है ना, तो मुझे रोना आ जाता है। मेयर अंकल, ये तो बड़ी अजीब आदत है आपकी। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, सरपट सैमी रॉकेट का ट्रिगर डिवाइस तो ले गया, मगर वो उससे करेगा क्या? तेजी से पानी पीने की आवाज को घट घट कहते हैं और जो पार्सल सही इंसान तक पहुंचाए उसे जासूस झटपट कहते हैं। ये पेन ड्राइव कोई तो किको के लिए छोड़ कर गया था। बड़ी, लगता है सरपट सैमी ने कोई मैसेज भेजा है। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 40 और इस पेन ड्राइव में जो है वो दिखाओ। श्योर किको, इनिशिएटिंग फॉर्मूला 40। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। तुम लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ये ट्रिगर डिवाइस क्यों चुराया, है ना? मैं अगर चाहूं तो इसे एक्टिवेट करके उस रॉकेट को वही सन सिटी में ब्लास्ट करके हमेशा के लिए बर्बाद कर सकता हूं, लेकिन तुम लोग मुझे ये करने से रोक सकते हो। अगर मेरी दो शर्तें मान ली जाए तो। ईश, तो बोलो क्या है वो दो शर्तें, बोलो बोलो। अयो मेयर, इतना इमोशनल नहीं होने का जी, ये वीडियो है, वीडियो। पहली शर्त ये है कि जो सूटकेस मैंने तुम्हारे पास भिजवाया है, तुम लोग उसमें ढेर सारे पैसे भर के भेजो। दूसरी शर्त कि वो पैसों से भरा सूटकेस की को खुद मेरे पास लेके आएगा, लेकिन R7 अपने हाथ से उतारने के बाद मैं सबको दिखा देना चाहता हूँ कि सुपर स्पीडो के बिना की को कुछ नहीं कर सकता। सरपंच सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। नहीं किको, मैं तुम्हें अकेले नहीं जाने दूंगा, इसमें खतरा है। सनसिटी को बचाने के लिए मुझे खतरा लेना होगा सुपर स्पीडो। नहीं किको, मुझे प्लीज अपने साथ रहने दो। I'm sorry बड़ी, मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। सनसिटी की भलाई के लिए मुझे अपनी R7 उतारनी ही होगी। थम जाए रफ्तार, R7 में समा जाए सुपर स्पीडो कार।
ट्विंकल, ये R7 तुम अपने पास संभाल के रखना। यहाँ से अब मुझे अकेले ही जाना होगा। हम हर कीमत पर R7 की रक्षा करेंगे कीको। ऑल द बेस्ट कीको। हमें यकीन है कि तुम्हारे रहते रॉन्ग कभी राइट से जीत नहीं सकता। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। मेरे पैसे लाके तो तुमने ठीक किया कीको, मगर R7 के बिना यहाँ आके बड़ी गलती की। अब शायद सन सिटी तो बच जाए, मगर तुम नहीं बचने वाले। सरपट सैमी, तुम जो कर रहे हो वो बहुत रॉन्ग है। मैं तुमसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि तुम वो रॉकेट का ट्रिगर डिवाइस मुझे वापस लौटा दो। अच्छा, ये चाहिए? ठीक है, तो आकर ले लो। लो, लो। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि कीको सुपर स्पीडो के बिना कुछ नहीं कर सकता। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। मैं तुमसे आखिरी बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वो ट्रिगर डिवाइस मुझे वापस दे दो। लगता है मार खा के अभी भी तुम्हारा मन भरा नहीं। ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले देखू तो कि तुम पैसे कितने लेके आए हो। के साथ धोखेबाजी। अब देखते जाओ कीको, पहले मैं तुम्हारी बैंड बजाऊंगा, फिर पूरी सन सिटी को अपने इशारों पे नचाऊंगा। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। I'm sorry, Kiko. मैं हार गया। प्लीज मत मारो, ये लो ट्रिगर डिवाइस। अब मेरी हार की सजा पूरे सन सिटी को मिलेगी, जब मैं उस रॉकेट के 1 किलोमीटर के रेडियस में जाके उस रॉकेट को इस ट्रिगर डिवाइस के जरिए ब्लास्ट कर दूंगा। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। स्पीडो को भी क्यों ना बुला लो, मगर अब सन सिटी को तबाह होने से कोई नहीं बचा सकता। सरपट सैमी की रफ्तार, हो जाए पल भर में फरार। ट्विंकल, R7 जल्दी मुझे दे दो। रफ्तार पे रफ्तार, R7 से निकले सुपर स्पीडो कार।
सुपर स्पीडो, सरपट सैमी वो ट्रिगर डिवाइस लेके उस रॉकेट को उड़ाने गया है। हमें उसे रॉकेट से 1 किलोमीटर पहले ही रोकना होगा, वरना वो उस रॉकेट को ब्लास्ट कर देगा। ओके बड़ी। इसका मतलब हमें सरपट सैमी को इस किंग्स कॉर्नर वाले सिग्नल से पहले पकड़ना होगा, वरना जो उसने वो सिग्नल क्रॉस किया तो ट्रिगर डिवाइस एक्टिवेट हो जाएगा। ओके सुपर स्पीडो, लेट्स गो। सरपट सैमी का पीछा करना इतना आसान नहीं है बच्चे। सरपट सैमी की रफ्तार हो जाए पल भर में फरार। सिग्नल को क्रॉस करते ही ट्रिगर डिवाइस रॉकेट के रेंज में आ जाएगा और फिर होगा सन सिटी में धमाका। सुपर स्पीडो, सरपट सैमी उस सिग्नल को क्रॉस करने वाला है। एक्टिवेट फॉर्मूला नंबर 12। ओके ब्रो, लेकिन जरा संभल के। इनिशिएटिंग फॉर्मूला 12। लगता है मुझे अपनी ओ किक का इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। गोल गोल घूमते पहिए ने सीधे चलते बिच्छू के दुम पे पैर रख के गलती की। मतलब सर, पहले मैं ये कह रहे हैं कि यू आर अंडर अरेस्ट।